आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोटर कार्ड को किस तरीके से हम शिफ्ट करवाएंगे। वोटर कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वोटर कार्ड के बिना हम वोट नहीं गिरा सकते हैं। बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो वहाँ वोटर आईडी कार्ड मांग दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे वोटर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप बिहार से हैं, अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, अगर दिल्ली से हैं बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे से हैं कोलकाता जा रहे हैं, तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे वोटर आईडी किस तरीके से आप शिफ्ट करवाएंगे। सोगाज में हूँ इंजीनियर राजा, और मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपने वोटर आईडी को शिफ्ट करवाएंगे, जहाँ आप जा रहे हैं परमानेंट रहने के लिए वहाँ पे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में है टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा, और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड कर लिए हैं तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाता है। इस पर ओके करेंगे, यहाँ पे आपका आई एग्री का ऑप्शन, इस पर ओके करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं, या स्किप लॉगिन, बिना लॉगिन किए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली फॉर्म वाले पे ओके करेंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि ट्रांसफर एंड शिफ्टिंग वाले ऑप्शन है ऊपर में, तो सिंपली सेकेंड वाले ऑप्शन पर ओके करके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब आपका यहाँ पर अपना नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे, यहाँ पे नाम डालने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ देख रहे हैं कि लेट्स स्टार्ट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास वोटर आईडी है, अगर हाँ मेरे पास है तभी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता हूँ। सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर अपना वोटर आईडी का जो भी नंबर है इसमें आप टाइपिंग करेंगे। नंबर टाइपिंग करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, फैक्ट डिटेल पर ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है, अब ये रेडी है। सिंपली प्रोसीड वाले पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका जो इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि आपका यहाँ पूरा बायोडाटा आ चुका है, आपका नेम वगैरह जो है, इस बार कौन सा विधानसभा है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट वगैरह है बिहार, तो सब यहाँ पर आपका पूरा बायोडाटा ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ सिंपली नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ आप रखना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ अपना डेट बर्थ यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपली आप डेट ऑफ बर्थ के वेरीफाई करने के लिए आपको इसमें आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा कि मेरा यही डेट ऑफ बर्थ है। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट चूज कर लेना है, जैसे आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आप इसमें से चूज कर लेंगे। चलिए हम आधार कार्ड चूज कर लेते हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, और डिजी लॉकर के द्वारा भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसका जो भी आपका आधार नंबर है उसका आधार नंबर डालना है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से अपलोड करना है। अब यहाँ मैंने आधार नंबर डाल दिया है, अपलोड फाइल पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको अलाउ करेंगे, और जहाँ भी आपका फ़ोटो है फ़ोटो को सिंपली आपको इसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपली आपको नीचे आके यहाँ पर देखेंगे कि मेरा फ़ोटो इसमें अपलोड हो चुका है आधार कार्ड। अब आप सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले पर ओके करना है। अब यहाँ पर आपका जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे वही आपका जो वोटर आईडी है उस पर रहेगा। सिंपली मैं यहाँ पर फ़ोटो पर ओके करता हूँ, जहाँ भी फ़ोटो चूज कर लेना है। मैं यहां से फ़ोटो चूज कर लिया हूं। इसके बाद मेल है फीमेल है जो भी है इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी नाम है वो ऑलरेडी यहां पे देखिए सेलेक्ट हो चुका है, और यहां पर सरनेम है, अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसके बाद यहां पर देख रहे मोबाइल नंबर है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है इसमें आपको टाइपिंग कर देना है। ईमेल आईडी है तो अगर डाल देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शनल है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोई डिसेबिलिटी है, मतलब कोई कामियाँ है, तो सिंपली आप इसको चेकमार्क करेंगे। अगर कुछ नहीं तो सिंपली आपको इसको छोड़ देना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नंबर यहाँ पे हाउस नेम डालना है, हाउस नंबर। इसके बाद यहाँ पे इंटर योर स्टेट, मतलब स्टेट एरिया लोकेलिटी का नाम डाल देना है, या स्टेट एरिया लोकेलिटी का भी ऑलरेडी यहाँ हिंदी में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ विलेज टाउन आपको जो भी है आपको विलेज टाउन आपको डाल देना है, यह हिंदी में ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। यहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है, यह ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ बांसोपट्टी। अब देखिए मैं जैसे मैं बोला दिखा देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मैं बांसोपट्टी डाला, और मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अगर लग रहा है कि ये गलत है, कुछ सही नहीं है, तो आप गूगल इनपुट टूल से आप इसको सही कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर मैं डाल दिया बांसोपट्टी।
यहाँ देखिए 500 पट्टी, तो आप इस तरीके से गूगल इनपुट टूल से सही कर सकते हो। यहाँ अपना जो एरिया पिन कोड है वो डाल देंगे। यहाँ पे एरिया को क्या है, मतलब सिटी है, टाउन है, विलेज है, जो भी आप इसमें से आप चूज करके डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टेट आ चुका है, इसका डिस्ट्रिक्ट आप इसमें से चूज कर लेना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट को आप इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार प्रूफ में आपको जो एड्रेस प्रूफ चेंज करना चाहते हो उसमें आपको एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, तो सिंपली आप आईडी प्रूफ पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक किसान पासपोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस, करंट पासबुक या राशन कार्ड जो भी देना चाहते हैं, रेंट एग्रीमेंट बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, जो भी देना चाहते हैं इसमें दे सकते हैं। जैसे मैं यहां पे आधार कार्ड चूज कर लेता हूं। अब यहां पर देखें कि आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा या डिजी लॉकर में है तो डिजी लॉकर से भी आप इसको अपलोड कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद जहाँ भी आधार कार्ड है सिंपली आपको आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर के डालने के बाद सिंपली जहां भी आधार कार्ड है उसको आपको चूज कर लेना है। गैलरी में जाके आप चूज करके डाल सकते हैं। यहां पर देख रहे हैं कि फाइल का जो साइज है ये 2 MB मैक्सिमम फाइल साइज है और JPEG और JPG में होना चाहिए। अपलोड करने के बाद सिंपली यहां से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो भी एड्रेस पे आप जाना चाहते हैं, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंशियल एड्रेस पे आप जो वोटर आईडी ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ का हाउस नंबर, स्ट्रेट एरिया, लोकेलिटी, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस का नेम, इसके बाद पिन कोड डाल के यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। चाहते हैं तो जो भी डेट से आप रह रहे हैं वो डेट को यहाँ पे आप चूज कर लेना है कि हम इस डेट से रह रहे हैं और हमको ट्रांसफर कराना है। सिंपली डेट को चूज कर लेना है, चूज करके ओके करना है। यहाँ पर अपना जो एक नाम डालना, जो भी नाम है आपका यहाँ पर नाम डालना है। नाम डालने के बाद यहाँ पर प्लेस मतलब जगह का नाम चूज करके डन करते ही आपके सामने जो अभी जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है वो टोटल आपको यहाँ पे आ जाता है। अगर लग रहा है कि सब कुछ सही है तो सिंपली यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं कुछ गलत है तो सिंपली कट करके इसको सही करेंगे। हमको लग रहा है कि सब कुछ सही है, सिंपली हम यहाँ कन्फर्म वाले पे ओके करेंगे। कन्फर्म करते ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है और आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रेफरेंस आईडी भी दे दिया गया है। इस रेफरेंस आईडी को आप अपने रिकॉर्ड के लिए सेव करके रख सकते हैं। इसी रेफरेंस आईडी से आप अपने जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपका जो फॉर्म फिलअप किए हैं उसका स्टेटस क्या। तो आप इसको जो रेफरेंस आईडी है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ नीचे कोने पर देख रहे हैं एक्सप्लोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन यहाँ पर आपका आ चुका है कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर अपने जो भी रेफरेंस आईडी है वो डाल के यहाँ ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अप्लाइड फॉर्म, आप इस पर क्लिक करना है और जो भी फॉर्म फिलअप किए रहेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाता है। सिंपली आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं उसका पूरा बायोडाटा यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। इसके बाद ये जाएगा BLO के पास अपॉइंटमेंट में, इसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो बाय पोस्ट ये आपके एड्रेस पर, जो भी एड्रेस दिए हैं उस एड्रेस पर आपका ये जो वोटर आईडी है वो आ जाता है। अगर ये नहीं आता है तो आप दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दीजिए अगर आ जाता है तो आप सिंपली इसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं CSC अपनी नज़दीकी CSC सेंटर में जाके। मैं बता दूं जो जानकारी के लिए कि ये जो है फॉर्म या रिजेक्ट होने में या वोटर आई डी बनने में या ट्रांसफ़र होने में ये 3 महीने का टाइम लगता है। 3 महीने में ये आपका जो भी स्टेटस है वो पता चल जाता है कि एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। सो आज आपने जाना कि किस तरीके से हम वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करेंगे, वो भी ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।